राधे राधे जी, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल वासु टिप्स फॉर होम में। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अहम होता है। अगर दोनों में से कोई एक की बात ना माने या एक दूसरे को अनदेखा करे तो दोनों को देखे गृहस्थी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपका पति देखिए आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, अपने घर वालों की सुनता है केवल और आपसे केवल लड़ाई झगड़ा या आपको अनदेखा करता है, तो आप इस उपाय को अवश्य करके देखिए। दोस्तों, इस उपाय को आप नवरात्रि के दिनों में भी कर सकते हैं और नवरात्रि के बाद सोमवार के दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही सरल उपाय है। इसको करने के बाद आपका पति आपका कहना अवश्य मानने लगेगा। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने वासु टिप्स फॉर होम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इस उपाय को आपको देखिए स्नान होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही करना है। और अगर आप इस उपाय को नवरात्रि के दिनों में माता रानी के सामने कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको शिव पार्वती की एक फ़ोटो या कोई भी तस्वीर रख लेनी है। और साथ ही आपको देखिए एक पान का पत्ता लेना है, उस पर आपको थोड़ा सा केसर और चंदन रखना है। अगर केसर या चंदन में से कोई एक वस्तु ना हो तो आप रोली भी रख सकते हैं, सिंदूर भी रख सकते हैं और उस पान के पत्ते को माता रानी को अर्पित कर देना है। साथ ही दोस्तों देखिए, माता रानी के सामने आपको दीपक जलाना है। आप घी का दीपक जलाएं और उसमें दो लौंग डाल दें। दीपक में आपको दो फूल वाली लौंग डाल देनी है और साथ ही दो लौंग आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है और इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद आपने जो देखिए पान के पत्ते पर केसर और चंदन जो अर्पित करा था माता को, उसमें से आपको उसका तिलक अपने माथे पर भी करना है और अपने पति के माथे पर भी करना है। अगर वो किसी प्रकार आपसे मतलब टीका नहीं लगवाते हैं तो आप उनकी तस्वीर पर भी लगा सकते हैं। माता रानी को देखिए आपने जो पान का पत्ते पर चंदन और केसर अर्पित करा है, जब तक वो उसमें बचा हुआ है तब तक आपको देखिए अपने माथे पर भी लगाना है और अपने पति के माथे पर भी लगाना है। अगर पति ना लगवाए तो आप उनकी तस्वीर पर लगाते रहें, कंटिन्यू कम से कम 7 दिन तो अवश्य लगाएं। साथ ही दोस्तों, जो आपने अपने सीधे हाथ में जो लौंग रखी थी उस पर आपको देखिए 21 बार अपने पति का नाम बोलकर 3 बार फूंक मार देना है और उन लौंग को आप किसी भी प्रकार से अपने पति को खिला दें। देखना आपका पति आपका कहना मानने लगेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपकी हर बात सुनेगा। दोस्तों, इस उपाय को अगर नवरात्रि के दिनों में करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि बहुत ही पावन पवित्र दिन चल रहे हैं तो इनमें ज़रूर करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को राधे राधे।